नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैंपलिंग प्लान की टाइप्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि सैंपलिंग प्लान्स क्या होते हैं। सैंपलिंग प्लान से मीनिंग है कि आज के दिन अगर हम लोग बात करें तो जो इंस्पेक्शन करता है, एज ए जो इंस्पेक्टर रहता है, उसके लिए कंप्लीट जो इंस्पेक्शन करना बहुत ही टिपिकल टास्क होता है। जॉब्स जो है इतनी नंबर ऑफ हो जाती हैं, कंपोनेंट्स इतने नंबर ऑफ ज्यादा हो जाते हैं कि उन सभी को इंस्पेक्ट करना उस इंस्पेक्टर के लिए बड़ा टिपिकल टास्क है। तो कुछ सैंपलिंग की टेक्निक्स बनाई जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि किस तरह की वो सैंपलिंग की टेक्निक उस पे अप्लाई करनी है। क्योंकि इसमें बेसिक क्या है कि जो साइज है उसका, जो लॉट का साइज है वो बहुत बिगर होता है, इसलिए सबसे पहले हम उनको सब ग्रुप्स में तोड़ते हैं और फिर सैंपलिंग का प्लान लगाते हैं जो भी सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप से मीनिंग कि उसको छोटे, जो भी हम लोग, जैसे मान लीजिए कहीं कोई डब्बा है, लॉट है, उसमें 1000 पीसीज है, तो उसको 100 100 करके हमने 10 में सब ग्रुप्स में बना लिया, यानी छोटे डब्बे उसके बना लिए, स्मॉल लॉट्स उसके बना लिए, उनको बोलेंगे हम लोग सब ग्रुप्स। अब उस पे क्या करेंगे, हम सैंपलिंग का प्लान अप्लाई कर देंगे। अब सैंपलिंग के प्लान कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे कि मींस कैसे अप्लाई करते हैं और किस किस तरह का वो होता है। अब आते हैं फिगर पे। सबसे पहला क्या है, सिंगल सैंपलिंग प्लान, जिसमें हम जो वो लॉट होगा, सब ग्रुप का हो या मेन लॉट हो, जिसको एक सैंपलिंग प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो एक सैंपलिंग जो भी हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग, तो एक सैंपलिंग से मीनिंग ये नहीं है कि हम एक सैंपल निकालेंगे, एक सैंपलिंग से मीनिंग है कि कोई भी सैंपल का मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने, हमारे पास कोई डब्बा था, उस डब्बे में हमारे वहां पे 100 पीस थे, तो जो 100 पीसीज हैं उसमें से हमने क्या किया, विड्रॉ कर लिए सैंपल्स। सैंपल्स मींस जिनको इंस्पेक्ट करना है, किस पर्पज से, कि क्या कंप्लीट लॉट ठीक है, कि जो लॉट है वो कंप्लीटली ठीक है या नहीं है। क्योंकि वो जब हम करते हैं, जो सैंपल्स विड्रॉ करते हैं, वो तो रैंडम बेसिस पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उन सैंपल्स को विड्रॉ कर लेंगे लॉट से इंस्पेक्शन पर्पज के लिए। तो मान लीजिए हमने वहां पे जो भी मेथड अप्लाई किया कि रैंडमली हम 100 में से 20 पीस चेक करेंगे, तो वो हो गया सिंगल सैंपलिंग प्लान, कि एक बार में जितने नंबर ऑफ पीस हमने वहां से लिए। अब चेक क्या करना है उसमें, ये ड्रम है डी, डी मीन्स है डिफेक्टिव, ए मीन्स है एक्सेप्टेंस। यहां पे हमने तीन चीजें ली इसमें कि किस किस बेसिस पे वो सिंगल सैंपलिंग प्लान को अप्लाई करता है। ये आपके पास फिगर। सबसे पहले यदि हमारे पास डिफेक्टिव नंबर ऑफ पीसीज है, दे आर लेस देन एक्सेप्टेंस, मान लीजिए हमने वहां 20 पीसीज निकाले, 20 पीसीज में से हमारे खराब 2 पीस थे और 18 बिल्कुल ओके थे, तो डिफेक्टिव पीसीज कम रहे, एक्सेप्टेंस हमारे पास ज्यादा रहा, तो वी कैन एक्सेप्ट द लॉट, हम लोग लॉट को वहां पे एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल हमारा वो ओके है। इफ द अनदर कंडीशन, इफ डिफेक्टिव पीसीज आर मोर देन एक्सेप्टेंस, यानी कि डिफेक्टिव जो पीस है वो हमारे ज्यादा है, एक्सेप्टेंस कम है, वही इसका उल्टा लगा लीजिए कि हमारे पास 18 तो खराब है, 2 ठीक है, या 12 तो खराब है और 8 पीस जो है वो हमारे ठीक है, तो हम लॉट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो मतलब एक सिंगल मेथड के बेसिस पे लॉट को एक्सेप्ट करेंगे और एक ही सिंगल मेथड के बेसिस पे लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। तीसरी कंडीशन बहुत रेयर होती है, इफ डिफेक्टिव आर इक्वल टू एक्सेप्टेंस, मान लीजिए 10 पीस ठीक है और 10 खराब है, तो इसका मतलब हमें सभी पीसीज को क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो ये होता है सिंगल सैंपलिंग प्लान, जो केवल एक बार जो सैंपल्स विड्रॉ किए उनके ऊपर हमने जो मेथड अप्लाई किया एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस का, उसके बेसिस पे जो फाइनल आया उसके अकॉर्डिंग हमने जो उस लॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया, तो उसको बोलेंगे सिंगल सैंपलिंग प्लान। दूसरा हमारे पास क्या है, डबल सैंपलिंग प्लान, जिसमें एक बार तो पीछे हमने कर लिया था कि एक बार में विड्रॉ किए सैंपल्स, उसके बेसिस पे एक्सेप्ट रिजेक्ट किए, लेकिन जब 2 के बेसिस पे होते हैं, डबल यानी 2 के बेसिस पे होते हैं, तब हम क्या करेंगे, वही मेथड पीछे वाले फिगर में, कि पहले तो विड्रॉ कर लेंगे सैंपल्स लॉट में से,
अब यहां पे देखेंगे कि यदि डी जो है दैट इज लेस देन ए, यानी कि डिफेक्टिव पीसीज कम है, एक्सेप्टेंस ज्यादा है, तो क्या होगा, लॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, सिंगल सैंपलिंग प्लान हो गया। लेकिन डबल किस तरह करेंगे, यदि डी ज्यादा आ रहे हैं यानी डिफेक्टिव ज्यादा है एक्सेप्टेंस से, तो लॉट को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग उस बचे हुए लॉट में से यानी कि 80 पीसीज है तो 80 पीसीज को दोबारा से हम एक मेथड अप्लाई करेंगे, वही सैंपल्स विदड्रॉ करने का रैंडम बेसिस पे। अब उसमें क्या करेंगे, फिर से फाइंड करेंगे एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस, यानी रिजेक्टेड पीसीज और एक्सेप्टेड जो हमारे पीसीज होंगे उसके बेसिस पे। फिर वही फॉर्म वही चीज अप्लाई हो जाएगी कि यदि डिफेक्टिव पीसीज लेस हैं एक्सेप्टेंस के तो लॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर फाइनली वो कंप्लीट जो लॉट होगा, दो जब मेथड अप्लाई, दो मेथड से मीनिंग है कि दो बार हम लोगों ने सैंपलिंग अप्लाई कर लिया प्लान, तो फिर उसके बाद उस पर थर्ड नहीं करेंगे। तो ये होता है डबल सैंपलिंग प्लान। तीसरा हमारे पास क्या है, मल्टीपल सैंपलिंग प्लान। इससे मीनिंग कि जिसमें दो से ज्यादा बार हम सैंपलिंग का प्लान अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने सैंपल्स विड्रॉ कर लिए रैंडम बेसिस पे, फिर से वही कि डी इज लेस देन एक्सेप्टेंस, यदि डिफेक्टिव कम है एक्सेप्टेंस से तो एक्सेप्ट द लॉट। ये तो क्या हो गया, हमारे पास सिंगल प्लान हो गया, सिंगल सैंपलिंग प्लान हो गया। डबल किस तरह हुआ, डी इज ग्रेटर देन ए, यानी डिफेक्टिव जो है वो ज्यादा है और एक्सेप्टेंस कम है, खराब पीसीज ज्यादा है अच्छे पीसीज कम है, तो लॉट को रिजेक्ट नहीं किया, हमने दूसरा सैंपल का साइज निकाला, यानी दूसरे नंबर ऑफ वही मान लीजिए 20 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 20 पीसीज हमने विड्रॉ किए, तो उसके बेसिस पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट द लॉट। अगर वो डी कम है ए से, यानी कि डिफेक्टिव खराब पीसीज कम है, एक्सेप्टेंस वाले ज्यादा है, अच्छे पीस ज्यादा है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे लॉट को। तो ये क्या हो गया, डबल प्लान हो गया, जो हमारे पास पीछे हमने पढ़ा था भी डबल सैंपलिंग प्लान। लेकिन हमें तो मल्टीपल करना है दो से ज्यादा बार। अब ये कंडीशन अगर आ जाए फिर भी, यानी कि हमने 100 पीसीज लिए, 100 पीसीज में से 20 यहां के लिए विड्रॉ कर लिए, उन पे ही एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस कर दिया, फिर 80 बचे, 80 के ऊपर फिर ये मेथड अप्लाई कर दिया, अब हमारे पास 60 बच गए, तो अब टेक ए अनदर सैंपल साइज और उसके बेसिस पे लॉट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। यदि डी हमारे पास डिफेक्टिव पीसीज कम है एक्सेप्टेंस के, तो वो बचे हुए हमारे लिए एक्सेप्टेड है। कई बार क्या होता है, इतना होने के बाद हम लोग कंप्लीट को भी इंस्पेक्शन कर लेते हैं, तो ये तो यहाँ मल्टीपल की बात है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डी डिफेक्टिव पीसी ज्यादा है यदि एक्सेप्टेंस है तो लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये होते हैं सैंपलिंग प्लान्स, और सैंपलिंग प्लान्स किस किस टाइप के होते हैं, यानी किन किन बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग सैंपलिंग के प्लान्स करते हैं। थैंक यू दोस्तों।